हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि हम जेईई मेंस और दूसरा है, क्योंकि एक जेईई मेंस का भी लेवल सेम है और दूसरा एक एग्जाम है आपका निमसेट, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए हालांकि ये जेईई मेंस के लिए सीरीज चला रहे हैं और ये आपके लिए प्रॉपर निमसेट के लिए भी ये आपके लिए काम करेगा। ये एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम है और ये सेशन आपका चलेगा 2022 इसके लिए, जेईई मेंस और निमसेट, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है इसलिए हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो जो जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो दोनों के लिए एक बुक जो कि हम पहले ही प्रेफर किए थे, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ही हम करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एग्जाम, इसका एग्जाम आपका निमसेट का मई में होता है, मिड या लास्ट वीक ऑफ मई, और इसका भी एग्जाम होपफुली आपका अप्रैल में कंडक्ट होने वाला ही है, अप्रैल या मई में। और ये कल का न्यूज है कि इस बार जेईई मेंस एक साल में हम दो ही बार दे सकते हैं, यानी ऑल मतलब आपके पास एटमोस्ट आपके पास कितना है, इसमें दो ही बार दे सकते हैं और निमसेट एक बार, और दोनों का सिलेबस सेम है इसलिए दोनों को हम कवर कर लेंगे। और ये इसमें हम चलाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज, कि मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन विथ कंसेप्ट। हालांकि इसका सीरीज हम पिछले ईयर भी बहुत सारा चलाए हैं, तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको इसका बहुत सारा वीडियो आपको पढ़ा भी होगा। इस बार हम थोड़े से क्वेश्चन का पैटर्न भी मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और ये मेनली अगर आप देखें तो इसमें आरडी शर्मा एक ऑब्जेक्टिव वाला बहुत ही मतलब कमाल का बुक है, दोनों को हम कवर कर लेंगे। तो आपके पास टाइम कौन सा है, फेब मार्च, यानी कि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, और इसको हम जल्द, और उधर जो फिजिक्स में चल रहा है, फिजिक्स में उधर चल रहा है आपको COM, सेंटर ऑफ मास, वो चलता रहेगा उधर। अब हम करेंगे मैथ्स का बहुत सारा, तो आज हम एक बेसिक सा चैप्टर जो कि आपका है मतलब फंक्शन, उससे हम शुरू करेंगे इस पूरे सीरीज को। तो और इसमें मोर देन हम 2,000 से 3,000 या 4,000 प्रॉब्लम हम करेंगे, क्योंकि जितना प्रॉब्लम करेंगे उतना सही रहेगा, और बाकी वो जो फिजिक्स वाला चल रहा था वो आगे कंटिन्यू होगा। उसमें हम जेईई एडवांस देख रहे हैं और इसमें हम पर्सनली लिखे हैं जेईई मेंस, सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जेईई मेंस, दैट इज एप्लीकेबल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके लिए फिजिक्स में होगा और ये आपके लिए मैथ में है। तो आइए एक बेसिक से क्वेश्चन से हम, चैप्टर आपका कौन सा है, फंक्शन, तो इसको देखेंगे और एक एक करके हम सारे चैप्टर को देखेंगे, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, कॉनिक सेक्शन को, कोई भी टॉपिक हो, तो एक एक करके हम सारे को देखते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं जेईई मेंस का ये सीरीज आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाकी फिजिक्स तो चल ही रहा है। फंक्शन, तो एक कंसेप्ट है इसमें पीरियोडिक, पीरियड निकालना है, तो जैसे साइन का पीरियड क्या हो जाता है, तो इसका पीरियड आपका 2π है, कॉस का पीरियड 2π है। जैसा कि हम SHM में देखते हैं कि एक टाइम के बाद वो अपना वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दे, यानी कि फंक्शन, इसमें तो फंक्शन के में हम फंक्शन बोलेंगे, तो ये 2π के बाद ये अपना ग्राफ, तो जब साइन का ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो ये ग्राफ यानी कि ये आपका 0 है और ये आपका पाई है और ये आपका है 2π, तो 2π के बाद इसका ग्राफ फाइनली वही हो जाता है, यानी कि ये वाला ग्राफ 2π के बाद फिर इसका वापस से ग्राफ वही होता है, रिपीट करता है। सो दिस इज अ पीरियोडिक साइन फंक्शन, साइन एक्स इज अ पीरियोडिक विच हैज इट्स पीरियड दैट इज 2π, कॉस इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन, इट हैज इट्स पीरियड दैट इज 2π। तो
तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं कॉस का, तो ये आपका साइन का है, जीरो पे जीरो, पाई पे जीरो, टू पाई पे जीरो, यानी कि पाई के किसी भी ऑड इवन कोई भी मल्टीपल हो एन पाई पे साइन जीरो होता है। अब यहाँ पे अगर हम कॉस का देखें तो कॉस पे ये आपका आ जाएगा, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होता है, तो ये आपका पाई बाई टू है इधर, फिर इस टाइप से, फिर इसका इस टाइप से चलता रहेगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका पाई बाई टू है, ये आपका क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, और ये फिर नीचे आएंगे तो ये आपका हो जाएगा फाइव पाई बाई टू, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये जीरो होता है, और ये आपका क्या है, कोई भी पाई के कोई भी मल्टीपल हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, पाई पे भी ये जीरो है, टू पाई पे भी, थ्री पाई पे भी, फोर पाई पे भी, यानी कि साइन जो है पीरियोडिक है, और इसका पीरियड, इट हैज इट्स पीरियड दैट इज टू पाई, यानी कि टू पाई के बाद ये अपना क्या करता है, अपना वैल्यू को रिपीट करता है। ध्यान से देखिए, इसके बाद यहां से तो इसका अगर हम देखें तो ये आपका जीरो पाई और टू पाई, टू पाई कहीं कहां होगा, तो टू पाई कहीं यहां पे होगा, ये टू पाई। अब ध्यान से देखिए, ये टू पाई, जीरो से टू पाई के बीच में जो ग्राफ है, वही ग्राफ ये आगे भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, कॉस एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इट हैज इट्स पीरियड दैट इज टू पाई। अब हम ऐसे ही टेन एक्स का देखते हैं, टेन एक्स का, तो टेन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या होगा, पाई। सो टेन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए टेन एक्स का, तो टेन एक्स का ग्राफ, अब ध्यान से देखिए, टेन एक्स 90 पे इंफिनिटी होता है, यानी पाई बाई टू पे ये इंफिनिटी हो गया, और इधर हम क्या कर लेंगे, माइनस पाई बाई टू, तो ये इधर इंक्रीज करेगा, और पाई बाई टू पे इंफिनिटी है, तो कुछ ऐसा शेप बनाएगा, एग्जैक्टली ये कुछ इस टाइप का शेप बनाएगा, ये माइनस पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी शो करना है, सो इन्फिनिटी शो किया, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी कि ये इनफाइनाइट, यानी कि 10 पाई बाई टू, जो कि अनडिफाइंड कभी लिखते हैं, या इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी। अब ये इसमें हम क्या देखते हैं कि यही वाला ग्राफ फिर पाई बाई टू पे ये ऐसा हो गया, फिर किस पे होगा, थ्री पाई बाई टू पे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका है, कहीं बीच में टू पाई आएगा, टू पाई, तो ये पाई बाई टू है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई बाई टू फिर ऐड करेंगे तो पाई होगा, ये पाई, और फिर वापस से इधर से, तो इसका पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक विद इट हैज इट्स पीरियड दैट इज। अब ध्यान से देखिए, ये इंक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग, फिर यहां पे क्या हो गया, थ्री पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे फिर जीरो, पाई बाई टू पाई। अब ध्यान से देखिए, यहां पे कहीं थ्री पाई बाई टू आएगा, थ्री पाई बाई टू, अब यहां पे इस टाइप से बनाएंगे, और ये कुछ ऐसा शेप बनाएगा, और ये कुछ ऐसा। तो ध्यान से देखिए, ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ग्राफ, फिर वापस से वही होगा, पाई पे, टू पाई पे, यहां पे कहीं टू पाई आएगा, तो टू पाई पे भी जीरो होगा, तो सिंपल सा बात है कि ये कुछ ऐसा बनाते हुए फिर वापस से वही ग्राफ को फिर बनाएगा। सो तो इस टाइप से इसका पीरियड है, तो इट्स टेन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट हैज इट्स लेंथ दैट इज पाई, यानी कि पाई के बाद, यानी कि इधर पाई बाई टू, तो ये जीरो से पाई बाई टू, ये भी पाई, यानी कि दोनों पाई के बीच में वही ग्राफ है, यानी कि ये इसका शेप फिर वापस से वही चेंज कर रहा है, यहां से भरा, फिर यहां गया, फिर वापस से क्या है, इतना पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, यानी कि बीच में, इसके बाद फिर ये वापस से वही शेप बना रहा है। सो टेन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट हैज इट्स पीरियड, बस यही याद को याद रखना है। पीरियोडिक का मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स में अगर हम ए एड कर दें, समथिंग कॉन्स्टेंट, और ये इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट वैल्यू, और ये क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। तो ये जो ए होता है, ये जो वैल्यू ए, यानी कि लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट
वैल्यू ऑफ ए, ए के सबसे कम जो लिस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, दैट इज इट्स पीरियड। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा, लिस्ट वैल्यू बोलिए, लोएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, ए का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड। यानी कि फंक्शन एफ एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, सो दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विच हैज इट्स पीरियड दैट इज ए। तो ये आपका है साइन का, कॉस का, टेन का। अब क्या है बाकी का, तो हमको अब करने का जरूरत नहीं है। अब साइन का जो है, कॉस का, टेन का, अब कॉट का बोलेगा तो वो पाई हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या कॉसेक का क्या फंक्शन होगा, कॉसेक एक्स का अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका अगर आपसे पूछे तो अब क्या करेंगे, सब काम इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी वही हो जाएगा। साइन का अगर 2 पाई है तो सपोज इसका कॉसेक्स का भी 2 पाई ही हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, बस वही हो जाएगा। लेकिन दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा, सेक और कॉसेक का अगर आप ग्राफ बनाए तो सेक का वैल्यू कुछ भी होगा तो -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, यानी -1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा, यानी कि -1 और 1 के बीच में इसका वैल्यू कभी नहीं आता है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाए, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक, तो जब हम ग्राफ बताएंगे तो ध्यान देखिएगा कि कॉसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आता है, सेक का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में नहीं आता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि साइन का, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विच हैज इट्स पीरियड दैट इज 2 पाई, कॉस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विच हैज इट्स पीरियड दैट इज 2 पाई, एंड टेन एक्स। अब टेन का है तो कॉट का भी हो जाएगा, तो इतना समझ में आ जाता है। तो ये आपका क्या था, पीरियड। अब हम एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, तो याद रखिएगा एफ एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा हो और ए का सबसे लिस्ट वैल्यू जो होता है वही क्या होता है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसको कि साइन में 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि साइन साइन अगर 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, समझिए थीटा दैट इज पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू वही होगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू वही होगा जो साइन पाई बाई 6 का होगा। सो इट हैज इट्स पीरियड दैट इज 2 पाई, 2 पाई के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, सेम दिस फिगर क्या कह रहा है कि यहां तक गया फिर वापस से वही पॉइंट पे हमारा आ गया, यानी कि ये पॉइंट अगर ए है तो फिर वापस से बढ़ा फिर घटा भी, यानी इसका ये पॉइंट पहुंचा, ये पीक पीक पॉइंट, फिर ये क्या है सबसे लोएस्ट पॉइंट, फिर वापस से वो ग्राफ रिपीट कर रहा है, यानी कि साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। ये याद रखिए कि इसको ऐड करने के बावजूद तो ये जो मिनिमम वैल्यू आया दैट इज 2 पाई, 2 पाई के बाद ये फंक्शन अपना क्या है वैल्यू रिपीट कर रहा है, सो इट हैज इट्स पीरियड दैट इज ए, ए इज ए लोएस्ट वैल्यू। तो ऐसे ही कॉस आप ले ले 60 यानी कि पाई बाई 3, इसका भी वैल्यू वही होगा जो कॉस 2 पाई प्लस 60 डिग्री का होगा, तो इसका भी वैल्यू वही होगा, जो लिस्ट वैल्यू ये 2 पाई आया यही इसका क्या है, पीरियड है। अब इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि क्यों क्या पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिक का मतलब समझ गए कि फंक्शन में कुछ ऐड करें फंक्शन वापस से वही आ जाए, सो दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन इज अ पीरियोडिक, कॉस एज वेल एज टेन। पीरियड बताइए, साइन कॉस टेन इसका पीरियड तो आपको पता होता है, लेकिन इसका पीरियड आपसे पूछे, और एक मिनट, एक्स माइनस मॉड एक्स इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एक्स, इसका पीरियड याद रखिएगा 1 होता है, 1 होता है, इट्स पीरियड फ्रैक्शनल एक्स, दिस इज फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल फंक्शन, सो इट हैज इट्स पीरियड दैट इज 1। अब इसका हमको पीरियड निकालना है, आपको कह दिया है और ऑप्शन में वही कुछ नंबर दिया हुआ है, तो क्या करें,
हमको क्या चाहिए, अभी हम बात कर रहे थे पीरियड का, तो एफ एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। सो अगर ऐसा हो तब ये पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका जो मिनिमम वैल्यू जो होता है, मिनिमम वैल्यू याद रखिएगा, इट्स लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू, जो लिस्ट वैल्यू जो है इसका होता है वही क्या होता है, पीरियड होता है। अब इसका हमको अगर वैल्यू निकालना है तो यहां पे क्या है, एफ एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल प्लस एफ एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एफ एक्स। अब इसमें हम क्या करें कि एक्स माइनस वन को, यानी एक्स प्लस वन को हम क्या पुट कर दें, एक्स प्लस वन को हम यहां से लिख दें समथिंग कॉन्स्टेंट, एफ एक्स प्लस वन, यानी कि x को पुट कर दे x प्लस वन से, रिप्लेसिंग, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचना है, x प्लस वन दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, तो कहीं ना कहीं हमको वहां तक पहुंचना है, तो ये हम ट्राई कर सकते हैं, यानी कि आपका मेन वैल्यू जो अभी हम बताए x प्लस ए दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप का हमको रिलेशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, तब हम कह सकते हैं कि उसका क्या पीरियड होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग एक्स प्लस वन दैट इज एक्स, एक बार इस पूरे फंक्शन में हम क्या कर दे, एक्स प्लस वन के जगह पे हम एक्स पुट कर दें, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस वन प्लस वन, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स के जगह पे एक्स प्लस वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एफ एक्स प्लस वन। तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू एफ, ये वन से वन कैंसिल, एफ एक्स दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एफ एक्स प्लस वन, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एक बार और रिप्लेसिंग करेंगे, सो रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग अब एक क्या कर सकते हैं, x माइनस वन, x के जगह पे एक बार x माइनस वन लिख देते हैं, उसके बाद एक इक्वेशन आ जाएगा। हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं यहां तक किसी तरह अप्रोच करें, बस कंसेप्ट बस इतना है, बाकी तो आपको अब समझ में आता है कि x माइनस वन एक बार पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली x, x माइनस वन लिख देंगे प्लस वन प्लस f, तो यहां से एक बार हम ये पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन माइनस वन, तो ये आपका x माइनस टू हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा एफ एक्स, एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स माइनस वन। तो ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन यहां से आपका आ गया था, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो गया, यानी एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एफ एक्स माइनस वन। ऐसे ही सिमिलरली काम कर देंगे, तो यहां से आपका क्या आ गया, एक इक्वेशन यहां से आया था कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो यहां से एक इक्वेशन यहां से आया, आप आपको पता है एफ एक्स दोनों को कैंसिल कर लीजिए या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हो, तो यहां से एक और इक्वेशन आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगेन वी विल यूजिंग द यही, फिर हम क्या करेंगे, एक जगह एक्स प्लस वन को एक बार ये पुट करेंगे और यहां से आपका एक बार रिलेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आपका यहां से रिलेशन, बस इसी को क्या कर लेंगे सिमिलरली एक बार फिर करें, क्या करेंगे एक्स, तो यहां पे फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस टू को एफ एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे ये, और एक बार क्या कर देंगे एक्स माइनस टू के जगह पे एक्स पुट कर देंगे, फिर जैसे कि एक्स प्लस वन के जगह पे हम क्या पुट कर दिए थे एक्स, अब क्या करेंगे एक्स प्लस मतलब एक्स जहां पे है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, रिप्लेसिंग, अगेन वी विल यूजिंग रिप्लेसिंग एक्स प्लस टू, यानी कि एफ एक्स के जगह पे हम एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स प्लस टू, तो ऐसे ही हम एक बार अगेन एंड अगेन वी वर्क,
और यहां से आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 12 दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, और यही तो हमको निकालना था, ये जो मिनिमम वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 12 जो होगा इसका पीरियड हो जाएगा। सो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विच हैज इट्स पीरियड दैट इज 12। बस यही काम करते रहेंगे, एक बार हम कर दिए एक्स प्लस 1 को एक्स, फिर यही पुट करेंगे, फिर दो इक्वेशन आएगा, फिर कैंसिल करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कभी ना कभी आपको मिल जाएगा वो आपका 12 पे मिल जाएगा। सो इट हैज इट्स पीरियड दैट इज फंक्शन का बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो एक आपसे दिया गया है कि एफ एक्स दैट इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स। तो जैसा कि साइन एक्स का हम बात कर रहे थे, तो इसका भी 2π है, इसका भी 2π है, लेकिन आपसे साइन का नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। तो ध्यान से देखिए, जब भी मॉड लग जाए तो उसका पीरियड हाफ हो जाता है। अब क्यों हो जाता है तो यहां पे हम देखेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, तो इसके बाद ये फंक्शन फिर से रिपीट करता था, इसीलिए हम क्या कर देते हैं 2π इसका पीरियड होता है। लेकिन जब मॉड साइन एक्स की बात करते हैं तो यही वाला फंक्शन नीचे जो है ये क्या हो जाता है, ये इस टाइप से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका अगर मॉड एक्स का आपसे पूछे कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ जो नीचे शिफ्ट होता था, जो नीचे इस साइड से शिफ्ट होता था, वही ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आपसे अगर पीरियड पूछे तो क्या हो जाता है, तो अब यहीं के बाद तो रिपीट ही करना शुरू किया, 0 से 2π के बीच में ही, तो ये जो इसका हो जाता है 2π हो जाता है, और ऐसे क्या था, ऐसे इसका 2π। एग्जैक्टली साइन का जो हो जाता है वही कॉस का भी हो जाएगा। तो इसका अगर पीरियड 2π है, इसका पीरियड 2π है, तो याद रखिएगा जब कोई इरेशनल नंबर हो तो क्या हम करते हैं, जब भी हमको पीरियड निकालना हो तो हम बात करते हैं क्या, एलसीएम, हमेशा बात करते हैं एलसीएम। यानी कि इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमको लोएस्ट वैल्यू चाहिए, एलसीएम यानी कि यहां से क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल। तो यहां पे आपका क्या है, जब भी आपको बात करे तो जो भी फंक्शन होता है एफ एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू होता है, लोएस्ट या लिस्ट वैल्यू, वही इसका क्या होता है। तो इसका क्या है, इसका पाए, इसका भी पाए है, तो क्या हो जाता है, तो जब आप मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये नीचे आया, ये नीचे नहीं जाता है, ये वापस से क्या होता है, रिपीट करना शुरू करता है, यानी कि ये कुछ ऐसे ही चलते चला जाता है। तो इसका अगर आपसे कहे कि पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड वापस से क्या है, पाई हो गया, यानी इसके बाद क्या है, ये पाई बाई टू है, यानी ये आपका पाई है, तो पाई के बाद किया इसका क्या है, फिर से ये रिपीट करना शुरू किया, इसीलिए इसका क्या हो गया, पाई, इसका भी पाई। तो दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इससे आपसे पूछ रहा था कि इसका क्या होगा पीरियड, सो इट हैज इट्स पीरियड दैट इज पाई, क्योंकि दोनों का एलसीएम सिंपल सा बात है, ये पाई है, ये पाई है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब आपसे इसका पूछ रहा है कि साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x। अब ध्यान देखिए, पावर 4 है मतलब क्या है, ये पॉजिटिव ही होगा। अब इसका भी पावर 4 है तो इसका क्या होगा, इसका तो साइन का हम क्या बोल रहे थे 2π, इसका भी 2π। अब क्या हो जाएगा, पावर 4, जितना पावर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, तो इसका एक तो सिंपल सा बात है, पावर हम इसका इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरा पावर 4 करें स्क्वायर अगर करते तो ये इसका क्या हो जाता, सिंपली पाई हो जाता, मॉड वाला खेल चलता। लेकिन लेकिन इसका पावर 4 है, जब पावर 4 होता है तो आप ऐसा समझे कि 2π डिवाइडेड बाय आप क्या कर दें, 4 कर दें, सो यू विल गेट दैट इज पाई बाय 2। तो ये आप एक तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, और दूसरा ये भी है कि अगर पावर दोनों पे सेम हो, एक इस टाइप का भी रूल है कि अगर पावर दोनों का सेम हो तो हम क्या करते हैं, और दोनों एक दूसरे का क्या रहे, सप्लीमेंट्री एंगल रहे, कंप्लीमेंट्री एंगल रहे, यानी दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, इस टाइप का अगर शेप रहे और दोनों का पावर सेम रहे तो क्या हो जाता है, सिंपली उसका हाफ हो जाता है। तो वहां से भी आप निकालिएगा तो भी आपका पाई बाई टू आ जाएगा। मॉड कॉस एक्स का, तो अभी हम बात कर रहे थे मॉड, मॉड हो जाता है, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है,
तो एक बार मॉड कॉस एक्स का हम बता देते हैं। तो मॉड कॉस एक्स का क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए था इसका क्या, ये कुछ ऐसा 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 चलता रहा है, लेकिन नीचे वाला ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब मॉड की बात करें तो मॉड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो नीचे तो जा नहीं सकता है। ये जब भी एक्स एक्सिस के नीचे जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये अगर कहे कि रिपीट कहाँ से कर रहा है, तो रिपीट इतना दूर के बाद ही कर रहा है इसका ग्राफ, तो दैट इज पाई, तो इसका भी पाई हो जाएगा। लास्ट में आपसे कॉस स्क्वायर का पूछ रहा है, तो स्क्वायर जब भी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका 2 पाई होता है, तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई के बाद ये रिपीट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन।